दोस्तों नमस्कार, मैं कुमुद कुमार ठाकुर आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का तरीका लेकर। इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको मैं बताऊंगा कि एक बीमा सलाहकार को कैसे जवाब देना है अपने एक कस्टमर को, जब कस्टमर ये पूछता है कि मैं बीमा क्यों लूँ या मुझे बीमा में विश्वास नहीं है, आई डोंट बिलीव इन इंश्योरेंस। उसमें सिंपली दो तीन क्वेश्चन करना है कस्टमर से। सबसे पहला क्वेश्चन करना है, ठीक है भाई साहब आप नहीं करते हो, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस में विश्वास नहीं रखते हो तो मैं एक दो चीज जानना चाहता हूँ। आप जब घर से निकलते हो, कहीं भी आप लॉन्ग टूर पे आप अपने परिवार के साथ जाते हो, तो क्या आप ताला लगा के जाते हो या नहीं जाते हो? ये सबसे पहला क्वेश्चन आप करिए। कस्टमर कहेगा ऐसा क्यों कर रहे हो, ताला लगा के तो जाता हूं। तो वहां पे आप कहिए वो जो आपका ताला है वो आपका इंश्योरेंस है। अगर आप इंश्योरेंस में बिलीव नहीं करते तो आप ताला लगा के नहीं जाते। आप बाइक चलाते हो, क्या हेलमेट पहनते हो या नहीं पहनते हो? बोलेगा हेलमेट पहनता हूं सर, वही आपका इंश्योरेंस है। क्यों पहनते हो हेलमेट? सुरक्षा के लिए, वही इंश्योरेंस देता है। सबसे बड़ी चीज, मैं कमाल की बात आपको एक बता रहा हूं जो शायद कस्टमर को ऐसा टच करेगा कि आपकी काम जो है वहां पे 100% बनेगा। सबसे बड़ा चीज, सर आप कार चलाते हो, सीट बेल्ट लगाते हो? हाँ। सीट बेल्ट क्यों लगाते हो, वो जरूरत तो नहीं है, ऐसा क्यों करते हो? बोलेगा कस्टमर, ऐसा क्यों बोलते हो? वहां पे बोलना है। उससे भी बड़ी चीज जो कस्टमर को मोटिवेट करेगा कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, सर कंपनी ने कार तो बनाया, इसमें ब्रेक क्यों लगाया? और ब्रेक इसलिए लगाया गया, शायद आप बताओगे कि शायद ब्रेक इसलिए लगाया गया कि आप गाड़ी को तेज चला सको। अगर गाड़ी में ब्रेक निकाल दिया जाए तो क्या गाड़ी 10 के स्पीड में भी कोई चलाना चाहेगा? 20 के स्पीड तो छोड़ दें, 5 के स्पीड में गाड़ी में चढ़ना पसंद नहीं करेंगे। यही चीज आपके लाइफ में इंश्योरेंस का महत्व है और इसीलिए इंश्योरेंस का जरूरी है। यही गाड़ी में जो ब्रेक रूपी जो आपकी सेफ्टी है, यही लाइफ में आपकी इंश्योरेंस रूपी एक सेफ्टी है कि आप अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।